वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे कैसे हम एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे MySQL सर्वर के अंदर। सो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको अपना XAMPP ओपन कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे अपाचे एंड सेकंड MySQL डेटाबेस को यहाँ पे ओन कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने ब्राउजर में जाना है, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे लोकल होस्ट /phpMyAdmin। सो जैसे ही हम लोकल होस्ट /phpMyAdmin लिखेंगे तो आपका जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपको जो भी दिख रहा है ये एक डेटाबेस के नेम है, जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा, phpMyAdmin और एक टेस्ट नाम का डेटाबेस बना हुआ है। तो डेटाबेस बेसिकली जैसे आप एक एक्सेल है, एक एक्सेल के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हो टेबल की फॉर्म में। एक एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं, जो एक्सेल का नेम होता है हम उसको बोलेंगे कि वो डेटाबेस है। अब उस एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट्स हैं, जैसे उसमें आपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर किया, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एंटर किया, तो हमारे लिए टेबल्स हो जाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट डेटाबेस क्रिएट करके देखेंगे बिना पाइथन के। तो उसके लिए आप एसक्यूएल के ऊपर जा सकते हो एंड यहाँ पे आपको उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो क्वेरी होती है आप लिखोगे क्रिएट, फिर आप लिखोगे डेटाबेस, उसके बाद डेटाबेस का नाम क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाके गो पे क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे आपका डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर नेक्स्ट मेरे को बोल रहा है कि आप टेबल क्रिएट करो, आप यहाँ से भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज ग्राफिकली अगर आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे भी आप डेटाबेस का नेम दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक Amazon नाम का डेटाबेस क्रिएट कर लिया, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे Amazon नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली एक आइट्रॉनिक्स नाम का डेटाबेस क्रिएट है। अब अगर आप इस डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, तो यहाँ से आइट्रॉनिक्स भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मैं Amazon को भी रिमूव करना चाहता हूँ तो ड्रॉप डेटाबेस Amazon। तो यहाँ पे अगर आप जो भी क्वेरी लिखते हो उसके पीछे सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है, इसका मतलब होता है लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है, उसके बाद नेक्स्ट की क्वेरी लिख सकते हो। अब जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे डेटाबेस हमारा रिमूव हो जाएगा। तो देखो दोनों डेटाबेस उसने रिमूव कर दिए। क्रिएट करने के लिए लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम, ड्रॉप करने के लिए लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। अगर आपको चेक करना है इसमें कितने डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे दोबारा एसक्यूएल के ऊपर क्लिक करेंगे। एसक्यूएल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे, अभी यहाँ से हाइड कर देते हैं, शो डेटाबेसेस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे शो डेटाबेसेस लिखूंगा उसके बाद गो पे क्लिक करूंगा तो यहीं नीचे मेरे को सारे के सारे डेटाबेस शो कर देगा कि इसमें अभी ये सारे डेटाबेस अवेलेबल हैं। अब ये तो हो गया डायरेक्ट। अब यही चीज़ हमने पाइथन के थ्रू करनी है कि पाइथन के अंदर हम कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे सारे के सारे डेटाबेस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वापस चलते हैं अपने डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए हमने देख लिया स्टेटमेंट होती है क्रिएट डेटाबेस, आगे डेटाबेस का नेम, और मैंडेटरी होता है सेमीकोलन लगाना जिससे एंड ऑफ स्टेटमेंट पता चल जाती है और इससे ही पता चलता है कि आपकी जो क्वेरी है वो टर्मिनेट हो चुकी है। सो अब पाइथन के अंदर आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली पाइथन जो है इसमें लगा देती है, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले इम्पोर्ट करेंगे MySQL कनेक्टर को, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। सो MySQL कनेक्टर को हमने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कनेक्शन बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे MySQL डॉट कनेक्टर। अब इसके अंदर हमें वही तीन चीज़ें बतानी है। सबसे पहले होस्ट, होस्ट है हमारा लोकल होस्ट। उसके बाद हमें बताना है यूज़र नेम, यूज़र नेम हमारा जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो रूट रहता है, और जो पासवर्ड है वो रहेगा एकदम खाली। सो यहाँ पे हमने यूज़र नेम भी बता दिया, उसके बाद लोकल होस्ट, होस्ट नेम भी बता दिया, एंड उसके बाद हमने जो पासवर्ड है वो भी बता दिया। अब यहाँ पे जो भी कनेक्शन बनेगा उसको हम माई डेटाबेस नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिससे हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अभी यहाँ पे कह रहा है मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, तो यहाँ पे हमने लिखा है MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट नाम का फंक्शन यहाँ पे हमने कॉल नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ हमने मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया है। तो यहाँ पे MySQL कनेक्टर के अंदर एक कनेक्ट नाम का फंक्शन है जो कि आपके डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। चलो अब हमारा कनेक्शन बन गया, अब हमें क्या करना है, क्वेरी लिखनी है। क्या लिखना है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। अब कोई भी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक कर्सर फंक्शन को कॉल करना है। जैसे यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरा कर्सर आ गया। जब कर्सर आ गया उसके बाद मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई डेटाबेस, इसके थ्रू हम एक कर्सर फंक्शन को कॉल करेंगे। कोई भी क्वेरी जब भी आपको लिखनी है आपको यहाँ पे कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल कर लेना है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं माई कर्सर नाम के वेरिएबल के अंदर, हमने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। अब माई कर्सर के थ्रू यहाँ पे एग्जीक्यूट फंक्शन को कॉल करेंगे। इस एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर आपको आपने लिखनी है क्वेरी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट
डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। अभी अगर मैं आपको राइट साइड पे दिखाऊं कोई डेटाबेस नहीं है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे कोई भी डेटाबेस नहीं है। जैसे ही इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा तो मेरा डेटाबेस ऑटोमेटिकली एग्जाम के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो अभी यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आइट्रॉनिक्स नाम का जो डेटाबेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो बहुत ईजी है डेटाबेस क्रिएट करना, सिर्फ आपको इंपोर्ट करना है, कनेक्शन बनाना है। एक बार कनेक्शन बन गया उसके बाद कर्सर लो और डेटाबेस को क्रिएट कर लो। अब देखो चेक करना है कि डेटाबेस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो डेटाबेस की एग्जिस्टेंसी के लिए हम यहाँ पे जो भी हमने क्वेरी लिखी है तो अब जो भी रिजल्ट आ रहा है वो हमारा किसके अंदर पड़ा है, कर्सर के थ्रू हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की है। अब कर्सर के थ्रू ही हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे जो डेटाबेस हैं वो कितने हैं। आपको सिर्फ ये लिखना है फोर आई एन, यहाँ पे लिख देंगे माई कर्सर। तो अब माई कर्सर के थ्रू हमने एग्जीक्यूट किया है तो माई कर्सर के थ्रू ही हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करूँगा ये क्या करेगा, सारे के सारे जो डेटाबेस हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो कर देगा। अब उसके लिए हमें क्वेरी भी लिखनी पड़ेगी। अब क्वेरी यहाँ पे क्या होगी, शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे कर्सर लिया उसके बाद क्रिएट डेटाबेस आइट्रॉनिक्स की जगह यहाँ पे लिखेंगे शो डेटाबेसेस। तो हमें क्वेरी भी लिखनी पड़ेगी डेटाबेस शो करने के लिए, शो डेटाबेसेस, और उसके बाद जितने भी डेटाबेस हैं वो हमें आइट्रेट करने पड़ेंगे क्योंकि आइट्रेबल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आइट्रॉनिक्स नाम का डेटाबेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये चीज़ आप नहीं लिखते तो अब यहाँ पे देखो कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा। डेटाबेस शो करने के लिए आपको माई कर्सर के ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करना पड़ेगा फोर लूप लगा के। तो जैसे ही आप शो डेटाबेस लिखोगे उसके बाद इसको आइट्रेट करोगे तो आपके पास सारे के सारे जो डेटाबेस हैं वो यहाँ पे शो कर देगा। अब सिमिलरली अगर आप कोई डेटाबेस ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप करने के लिए इन्हीं हम दो लाइंस को कॉपी करेंगे। पहले कर्सर लेंगे और क्वेरी लिख देंगे ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया आइट्रॉनिक्स। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रन किया राइट साइड पे गए रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखो आइट्रॉनिक्स नाम का डेटाबेस यहाँ से ड्रॉप हो गया। अब फिर से अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और नीचे एक और सेल में पेस्ट कर देते हैं, जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देखो डेटाबेस मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या कर देगा, एरर दे देगा, ये बोलेगा कि डेटाबेस जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कांट क्रिएट द डेटाबेस आइट्रॉनिक्स डेटाबेस एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है तो आपको एरर दे देगा। तो मैं चाहता हूँ एरर ना आए तो उसके लिए आप लिखोगे क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तब भी आप क्रिएट करो। अब इसको जितनी बार मैं यहाँ पे रन करता जाऊँगा मेरे को एरर नहीं मिलेगा, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है इसको दोबारा से क्रिएट नहीं करेगा, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तब उसको क्रिएट करेगा। ठीक है, ऐसी ड्रॉप के केस में भी यही है, ड्रॉप डेटाबेस अगर आप करते जाओगे तो आपको एरर देता जाएगा। जैसे मैंने इसको बोला ड्रॉप डेटाबेस आइट्रॉनिक्स, फिर से रन किया ड्रॉप डेटाबेस आइट्रॉनिक्स, और ड्रॉप डेटाबेस से तो रिमूव हो चुका है लेकिन स्टिल बोलेगा कि अब तो डेटाबेस से रिमूव हो चुका है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फिर आप इसको किसको रिमूव करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी क्या करो, डेटाबेस को ड्रॉप करो। तो अभी हम लास्ट एक बार दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट हमें इसके अंदर टेबल बनाने हैं जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। तो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे डेटाबेस ड्रॉप होने के बाद दोबारा से यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो ये था सारा प्रोसेस कि आप कैसे पाइथन के अंदर आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। मतलब जस्ट आप ये मान के चलो कि हमने एक्सेल के अंदर एक फाइल बनाई है और फाइल को नेम दी है, दैट्स इट। अभी जब हम टेबल बनाएंगे उसके अंदर क्या डेटा स्टोर करना चाहते हो, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, फ़ोन नंबर, कुछ इस तरह से, वो सारा टेबल्स के अंदर बनेगा। सो ये था पूरा प्रोसेस डेटाबेस क्रिएट करने का। इसके नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।